ओके गाइस, तो यहाँ से रास्ता देखिए, हम बीच में हैं, पूरा हाफ देखो भाई कैसे कैसे जगह है यहाँ। तो फाइनली गाइस वी आर इन बरौनी। यहाँ का जो व्यू है वन ऑफ द टॉप। अबे आराम से बे। फाइनली गाइस चित्तागोंड ये रहा। हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो ठीक उसी तरह दिन जिस तरह कपिलदास के दिन प्लान हुआ था, आज भी उसी तरह प्लान हुआ है। तो मेरा और अजीत का निकल रहे हैं बरौनी हिल्स। ओके, सोलो राइड करना तो वैसे मुझे पसंद है ही, मतलब आप लोग एक दो बार सोलो राइड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसके फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है। हालांकि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, तो जब भी मुझे किसी के साथ लेके जाना होता है तो मैं देखता हूँ सुबह सुबह मेरे टाइमिंग से कौन निकल सकता है, तो उसमें से अजीत ही निकलता है, जो कि बंदा पहले ही से जागा होता है, सुबह सुबह मॉर्निंग पर्सन है अजीत भी। और आज जो जगह पर जा रहे हैं बरौनी हिल, वहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, मंदिर तो है ही, ट्रेकिंग भी है, तो मिलते हैं बरौनी हिल के आसपास। सो गाइस, राइट नाउ वी आर इन चंदका मार्केट। तो पीछे चंदका मार्केट गया, यहाँ से और कुछ किलोमीटर। गाइस यहाँ लिखा है बरौनी, लेफ्ट लेना, आगे जाएगा राइट साइड में खुर्दा पड़ जाएगा, वे टू बरौनी रोड। तो हम लोग इसी तरफ से जाएंगे, यहाँ लिखा है, तो लेट्स गो। अभी धूप ज़्यादा हो जाए तो अच्छा है, अभी बज रहे हैं 8:45, ठंड लग रही है। हम लोग कुछ ज़्यादा जल्दी आ गए, मतलब नहीं जल्दी आए नहीं, हम लोग ठीक टाइम पे। आज क्या है कि ठंड दिन प्रतिदिन ठंड बढ़ रही है, बात यही है। खुशबूदार स्मेल आ रहा है, बिस्कुट का फैक्ट्री है वो। ऐसे फैक्ट्रीज जो है ना, इसी तरह का प्लेसेस में गवर्नमेंट ऑर्डर देता है ताकि फैक्ट्रीज बनाते वो रोड भी डेवलप कर दे, गवर्नमेंट कभी चला के ऐसे ऐसे जगह देगा ना आपको फैक्ट्री लगाने के लिए जहाँ बंजर कुछ नहीं होगा, जैसे ये पहाड़ है। तो चलते हैं बरौनी हिल के ऊपर। तो गाइस इसी रास्ते में काफ़ी सालों पहले मेरा, निखिल और संजय का आए थे, तो फोटोग्राफी कुछ किए थे, तो वही है रास्ता। और ऑलमोस्ट मंदिर पहुंच गए हैं हम लोग। फाइनली गाइस मंदिर आ चुका है, ऑलमोस्ट नहीं अभी नहीं, ये तो पार्क है, ये एक छोटा सा पार्क है, पिकनिक पिंट्स और पार्किंग के लिए जगह है, यहाँ पर आप लोग पिकनिक विकनिक कर सकते हो। सो लेट्स गो टू द टेम्पल। छोटे कुरकुरे कुटे ले देते हो, कुरकुरे नहीं। तो गाइस मुझे पता है कि ट्रैकिंग के बाद क्या हालत होने वाली है, इसलिए मैं भूख और प्यास दोनों के इंतजाम करके जा रहा हूँ ऊपर। ओके गाइस, वहाँ लिखा है बाइक पार्किंग नहीं है अंदर, यहाँ इधर उधर आप यहाँ कर सकते हो, तो यहाँ पर मैंने बाइक पार्क कर दिया, तो अब चलते हैं। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो बरौनी टेम्पल आ चुके हैं, सामने दर्शन के लिए जा रहे हैं, दर्शन करने के बाद जाके ऊपर हिल के ऊपर ट्रैकिंग करेंगे। हल्की हल्की धूप तो हो ही रही है, देख सकते हैं, तो अच्छी बात तो ये हल्की हल्की धूप पड़ेगी क्योंकि ठंड जो लग रही थी मत पूछो। सो लेट्स गो गाइस, चलते हैं भगवान के दर्शन करके निकलते हैं हिल के ऊपर। तो फाइनली गाइस मंदिर पे घूमने के बाद हम लोग यहाँ से गिर रहे हैं क्या, चढ़ने के लिए जा रहे हैं हिल पे। यहाँ पर मैप में आपको दिखा दूँ कि स्क्रीनशॉट कि कितना दूर है, 750 मीटर दिखा रहा है यहाँ से मंदिर के पास से, तो देख सकते हैं मतलब अभी ये कितना स्लोप है। वहाँ से माउंटेन उधर दिख रहा है और यहाँ स्लोप देख रहे हो, ज़बरदस्त स्लोप है। हमको पूरा आपको पता नहीं चला है कैमरे में साथ, हमको पूरा कैसा पाँव करके जाना पड़ रहा है, मतलब बता नहीं सकते, काफ़ी स्लोप है। तो देखते हैं 750 मीटर दिखा तो रहा है तो कब तक पहुंचते हैं हम लोग। सिलेश को गाइस क्लाइंबिंग शुरू कर दी हम लोग। तो ऑल द बेस्ट उन लोगों के लिए जो लोग बारिश में आएंगे, क्योंकि यहाँ जैसे स्लेप स्लोपरी बन रखा है ना, सिवली जम जाने के बाद, मतलब काई भी कहते हैं उसकी हिंदी में, स्लिप करोगे बारिश के दिन, चढ़ो ही मत बेस्ट, हड्डी पचली टूट जाएगी अगर गिरोगे तो, ठीक है, ज़बरदस्त घुटनों में चोट लगेगी। इतना ही दूर चढ़े हैं हम लोग को, वो गाड़ी इतनी नहीं थक गया भाई, ये तो भाई ट्रेकिंग ही। तो गाइस हम लोग का शुरुआत में ये हाल है और 700 मीटर चलना है हमको, 1 किलोमीटर ऑलमोस्ट पकड़ लो, तो सोचो क्या हालत होने वाली है। मेरे पीछे देखो आप, सामने और भी कुछ लोग जा रहे हैं, तो अभी आधा दूर भी नहीं हुआ है, और देखो सामने का व्यू, तो ये रास्ता बनाया गया ऊपर जाने के लिए। ओके अजीत मज़ा आ रहा है, ये रहा सामने माउंटेन। ओके यहाँ से धूप शुरू है, भगवान बैग बोलना मैं ले लूँगा, ज़्यादा भारी लगेगा तो। ओहो वैसे बैग में कुछ खास नहीं है, बस कैमरा लिए हैं और मैं अपना स्वेटर डाल दूँ ऊपर, बस पानी की बोतल है ज़रूरी है ट्रैकिंग के बाद, और कुछ खाने के लिए सामान नहीं, ऊपर जाएगा खाएंगे हम लोग, थक तो जाएंगे इसलिए।
ओके गाइस, बहुत स्लोप है, आपको लगे सामने जाके स्लोप नहीं होगा और भी स्लोप है। फाइनली पीछे पहाड़ दिख रहा है। ट्रैकिंग करने के बाद इतना देर तक माउंटेन दिख रहा है, मुझे पता नहीं था इस तरह का ट्रैकिंग है। मुझे लगा इस तरह का फोटो गया होगा रास्ता, लेकिन मैं बता दूँ जिन लोगों को पता नहीं, भाई ये इतना स्लोपरी है, हाइट में गया है, आप लोग थक जाओगे थोड़ी देर चलने के बाद। अरे क्या व्यू आ रहा है, आप भी देखे हम लोग। वाह बड़े व्यू, मैं अभी देख रहा हूँ क्या व्यू है माउंटेन का। चलो और आगे व्यू मिलेगा। अच्छा अभी देख शुरू हुई हुआ है ट्रेकिंग, और ज़्यादा है। टू ऑल ऑफ यू, ये सब कचरा मत करो यार प्लीज़। आ रहे हो, खा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, वेरी गुड, लेकिन प्लीज़ जब कचरा बैग में लेके आ रहे हो तो बैग में लेके चले जाओ, नीचे डस्टबिन में डालो ना प्लीज़। यहाँ टोलने जगह गंदा मत करो, यहाँ अमेज़न का डिलीवरी वाला पड़ा है, क्या बताएगा। अरे यहाँ पर से रास्ता ख़त्म, ये वाला पीछे रास्ता नहीं मिलेगा अब, मिट्टी वाला पत्थर वाला। ओके तो यहाँ से ख़त्म हो रहा है, यहाँ से अब जंगलों के बीच में जाना पड़ेगा, इस तरफ या उस तरफ, नहीं उस तरफ कुछ नहीं है, इसी तरफ। हाँ मैप में देख देख के हम लोग जाएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली ये सीधा आपको जाना है, आप लोग अगर आ रहे हो तो देख लेना। मेरे को हालांकि गर्मी पसीना नहीं लग रहा, बस थकावट हो जा रही है, इसलिए मैं अपना बटन्स खोल दे रहा हूँ। अब नीचे देखना, मैं साफ अपना निकल जाए यहाँ से, यहाँ पर चढ़ने के लिए बनाया गया ये, ऐसे चढ़ के। हो हो गॉड। तो गाइस ये देखो डांस करने के लिए जगह है, यहाँ से यही रास्ते देख के हम लोग आए थे। वाह, और मेरे सराउंडिंग देखो क्या क्या है, पहाड़ी। चल चल चल, ओके गाइस यहाँ से जल्दी जल्दी हम चढ़ पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा इजी है, थोड़ा कम स्लोप है। तो शूज़ पहन क्या मैंडेटरी शूज़ के लिए, वरना चोट लग सकती है। ओके गाइस, तो यहाँ से रास्ता देखिए, हम बीच में हैं, पूरा हाफ आधा रास्ते सफ़र कर चुके हैं और थोड़ा देर रेड दिख रहा है ना, वहीं जाना है। ओके गाइस, जंगलों से बीच में होते हुए हम जा रहे हैं और जंगल से घिरा गया है पूरा का पूरा माउंटेन ही है, ठीक है। और जा रहे हैं, बता रहे हैं सीताकुंड देखने के लिए। भाई कैसे कैसे जगह है यहाँ पे, हो गलत आ गए क्या भाई, घूम तो नहीं हो जाएंगे, यहीं पे कैंपिंग करना पड़ेगा फिर। वाह क्या रास्ता है भाई, यहाँ पर मस्ती करके अब दारू का बोतल फेंक रहे हैं, हे भगवान क्या करते हो यार तुम लोग, यहाँ पर भी चैन नहीं है। अरे अब कहाँ जा रहा है, अरे मैप में तो देख ले, यही है तो। हाँ ठीक जा रहे, ठीक जा रहा अजीत, तू ठीक जा रहा, मैं तो सर झुका कर ही यहाँ पर चल रहा है आपको। हो तो व्यू कुछ ऐसा है पीछे का, अभी अबे बंदर भी, बंदर मांकड़ मांकड़ बंदर भी चिंगा में टॉप टॉप। ओके ओके ओके, ओ गॉड कितना झुकाएगा यार, हम तो ऑलरेडी झुक चुके आ रहे हैं सर से, नहीं तो सर उठाओगे तो बाल लगेगा आपका, सर लगेगा झाड़ियों में, कांटेदार झाड़ियाँ। बहुत अच्छा, सुबह सुबह है वरना धूप के मारा हालत ख़राब हो जाएगा, नहीं तो आप लोग विंटर में आओ बेस्ट होगा। हार्ट रेट बढ़ गया है पूरा, पांडव बहरा मेरा पहला ट्रैक इन डेंजरियस, इसके बाद सेकंड नंबर में यही आएगा, पहला तो पांडव बकरा का ही रहेगा, उसका जगह कोई नहीं ले सकता, अलग ही लेवल का था। यहाँ तो बस चलना है चढ़ना है, वो तो पत्थर के ऊपर चढ़ना था। अबे देख के भी इसको बचा ले, घुस जा रहा शरीर में लगेगा। यहाँ पर किसने आग लगा दिया, यहाँ पूरा का पूरा वहाँ पर पानी है, मतलब झील से ऐसा थोड़ा सा छोटा सा, और माउंटेन है। ओ भाई भाई, हाँ चढ़ जा तो इसके ऊपर। तो फाइनली गाइस वी आर इन बरौनी, तो देखिए व्यू देखिए यहाँ कैसा है, ये सब जो अलग ही फील दे रहा है, ये सब जो झाड़ियाँ हैं उससे से मिट्टी था, अभी पत्थर ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ भी आग लगा रखे हैं, क्या बताओगे।
सुबह सुबह आने का फायदा ये है गाइस, आपको फॉल देखने के लिए मिलेगा। ओके गाइस, यहाँ का जो व्यू है वन ऑफ द टॉप बेस्ट व्यू, मतलब ऐसा व्यू मैं अभी तक तो नहीं देखा। ठीक है, सो देखिए यहाँ का व्यू कैसा है। पूरा का पूरा ऑलमोस्ट टॉप में हम लोग पहुँच चुके हैं। ये रहा यहाँ, वहाँ से माउंटेन्स दिख रहे हैं, ये जो येलोइश फील दे रहे हैं ग्रासेस जैसे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर और भी खाई है, ठीक है, आप लोग नीचे जाके और फोटोग्राफी वहाँ पर कर सकते हो, ये जगह पे है। यहाँ पर थोड़ा देर रुक के हम लोग फोटोग्राफी किए, जो कि इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे दिख जाएगा। अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ सीताकुंड के पास, जहाँ पर है मेन मोटिव वही है। वहाँ पर क्यों जा रहे हैं हम लोग सीताकुंड में, वो देखने के लिए। तो गाइस और थोड़ी देर में सीताकुंड के पास पहुँच जाएंगे, मैप में जैसे दिखा रहा है वैसे ही हम लोग जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। अरे हम लोग गलत आ गए अजीत, सीताकुंड इधर कहाँ है? अरे एक्चुअली उधर से सीधा जाना था, हम लोग यहाँ आ गए तो इधर से इधर जा रहे हैं अब। ठीक है चल, अबे आराम से बे, इजी वाला रास्ते को हम लोग मुश्किल बना रहे हैं, क्या ही बताएं, कोई बात नहीं। डेंजरस तो हर जगह है भाई, ज़्यादा नहीं आप लोगों का घुटना फुटना पे लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा, लाइफटाइम के लिए पेंट रह जाएगा। अब इधर रास्ता नहीं है तो कहाँ जा रहा है? यहीं से ही जाना है, ये जो रास्ता दिख रहा है ना आपको, यहीं से ही जाना है। हम लोग ऊपर चढ़ गए थे तो अब जा रहे हैं वापस, देखेंगे उस तरफ शायद हम लोग को सीताकुंड देखने के लिए मिल जाएगा। मोटिव वही है, अरे हाँ यही तो है भाई, यही तो है। मैं हम लोग उधर पागलों की तरह घूम रहे हैं। हाँ तो फाइनली गाइस सीताकुंड के पास हम लोग आ चुके हैं, हम लोग पागलों की तरह इधर उधर घूम रहे थे। यही है प्लेस, तो मैं दिखा दूँ इसके बारे में भी हिस्ट्री। अभी मैं डर गया, अभी बैंक कूद रहा है मेरा पूरा, डर गया। तो गाइस अजीत यहाँ पर निरीक्षण कर रहा है, चेकिंग कर रहा है। यहाँ पर इको हल्का हल्का इको हो रहा है। तो गाइस फाइनली हम लोग सीताकुंड के पास आ चुके हैं, मिशन कंप्लीट। अब थोड़ा देर यहाँ बैठ के आराम करेंगे, फोटोग्राफी करेंगे, उसके बाद फिर से वापस निकलेंगे नीचे की ओर। तो आज का मिशन कंप्लीट रहा। तो गाइस थोड़ा बैठे हैं, बैठ के पानी वानी पी रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ आए हैं खाने के रेस्ट करने के लिए, क्योंकि एक प्लेस है यहाँ पर DSLR से कैमरे से फ़ोटो उठाएंगे, उसके लिए एनर्जी नहीं है। तो बैठ के यहाँ खाना वाना थोड़ा बहुत चीज़ चीज़ खाएंगे, उसके बाद फोटोग्राफी करेंगे कैमरा निकाल के। DSLR निकाले लाए हैं लेकिन अभी तक निकला ही नहीं, फ़ोटो से ही कैमरे से ही काम चल रहा है। ऑलमोस्ट हम लोग खाना पीना ओवर हो चुका है, अब निकलेंगे उधर थोड़ा फोटोग्राफी करके।